होता है। द्वापर में भी आपको बता दें, कंस जब कभी दूरा इकट्ठा हुआ, थोड़ा समझने के लिए बताऊं, पत्नी का नाम रेखा और पति का नाम राकेश, तो घर से कभी नहीं विदा होगा कलेश। हम आपको प्रमाणिकता बताएंगे इस चीज का। राम और रावण, अभी द्वापर में है कृष्ण, कन्या और कंस, जब ये तीनों इकट्ठा होते हैं ना, तो क्या होता है? राम रावण इकट्ठा हुए ना, तो रणभूमि सजाई गई है। यहां पर दोनों की राशि तुला है, दोनों के राशि का स्वामी बुद्ध है। एक के नहीं, दोनों की नारी वही है, दोनों की गुण वही है, तो ना कम रघुवर ना कम कभी। कंस और कृष्ण राशि पे आप जाते हैं ना, तो कृष्ण और कंस दोनों की एक ही राशि है ना, राम और रावण दोनों की एक ही राशि है ना, पर दोनों के कर्म कितने अलग हैं। कई बार इसीलिए भारतीय संस्कृति की अपनी कथा से हटके बात है कि हमारे पूर्व जन्म में सनातन की रीति से किसी का अगर विवाह होता है तो उसके गुण, योनि, नाड़ी सब देख कर विवाह करते थे। अब लोग नहीं मानते हैं जी, बाद में कहते हैं जी मस्कुलर डिस्कोपी हो गए। अगर पति और पत्नी दोनों का सेम ब्लड ग्रुप होगा ना, तो पहली बात तो बच्चा होने में ही समस्या है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, कथावाचक बाद में हूं, पहले मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर पति और पत्नी दोनों का एक ही ब्लड ग्रुप है, वो पॉजिटिव वो पॉजिटिव, तो पहली बात तुमको बच्चा होने में तकलीफ होगी और होगा भी, भाई प्रभु की कृपा के आगे मेडिकल फेल है। तो एक ही, या तो मेल चाइल्ड सिक्योर है या फिर फीमेल चाइल्ड, दोनों सिक्योर नहीं हो सकते। अगर बच्चा सही है तो बच्ची एक उम्र के बाद जाकर उसे मस्कुलर डिस्कोफी हो जाता है। मस्कुलर डिस्कोफी मतलब जैसे गीली मिट्टी के अंदर एक बारीक सूतली या धागे को डाल दें, सूखने के बाद उसमें कैसे सिकुड़ जाती है, ठीक उसी तरीके से हमारे मसल्स पत्थर के जैसे हो जाते हैं और धीरे धीरे वो जिंदा लाश हो जाते हैं। इसलिए नारी योनि ग्रह नक्षत्र कुल गोत्र देख कर ही विवाह किया जाता है, नहीं तो इसका बड़ा भोग होता है। जैसे आप भोजन करते हो तो जल्दी जल्दी मत करो, अगर आप जल्दी जल्दी भोजन करते हो ना, आयुर्वेद के अनुसार से एक निवाले को 32 बार चबाना होता है, तो आपका पाचन रस शुद्ध बनता है, आपका कभी गैस का भोग नहीं करना पड़ेगा, एसिडिटी नहीं होगा, हाइपर डिप्रेशन नहीं होगा। और भोजन उपरांत तोयम विषमवाणी, भोजन उपरांत तोयम अमृतवाणी, खाने के बाद पानी विष भी है और अमृत भी है, इसलिए खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद पीना चाहिए। तो द्वापर में महाराज उग्रसेन, कंस देवकी, कृष्ण, कंस कृष्ण और कन्या, कंस कृष्ण और कन्या। अब यहां पर एक चीज ये बताई जाती है कि वक्त कि कल जहां बस्ती थी खुशियां याद है मातम वहां, और वक्त लाया था बहारे वक्त है लाया खिजर। आज बड़ा छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं समझने की चेष्टा करना। हमारे शरीर के दोनों पैरों से ज्यादा हमारे तन से साथी कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों साथ नहीं चल सकते, एक आगे जाता है पीछे आता है, पर इन्हें कभी गर्व नहीं होता। एक दूसरे पता है कि पहले दाहिना चलेगा, बाद में दाहिना पीछे और बायां आगे आ जाएगा। ऐसे समाहित मित्रता अगर आपके परिवार में हो तो सत्संग का लाभ है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट टूमेंस लाइफ। और अगर प्रेम देखना है तो इन नेत्रों से देखो,
प्रेम इन आंखों से देखना। आज से पूछ रहा हूं कि आंखें ने इस दाहिनी आंख ने बाईं आंख को कभी देखा क्या? इस आंख ने इसको कभी देखा? इस आंख ने इसको कभी नहीं देखा। दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा, फिर भी एक साथ सोती है, एक साथ रोती है, खुशी हो या गम दोनों का इजहार एक साथ करती है। कि सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे और दूर सिकवे गिले सारे हो जाएंगे, सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे दूर सिकवे गिले सारे हो जाएंगे, बात करने लगेंगी ये आंखें वहां तेरे चंचल जुबान कुछ ना कह पाए। जैसे एक आंख ने दूसरे आंख को नहीं देखा फिर भी साथ में सोती है, साथ में उठती है, साथ में गम और खुशी का इजहार करती है, ऐसी इस जीवात्मा ने परमात्मा को भले ही नहीं देखा और अगर एहसास कर लिया परमात्मा मेरे साथ है तो दुनिया में भगवान होकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मोहब्बत एहसास का नाम है पास होने का नहीं, दूर रहकर भी पास होने का एहसास है तो मोहब्बत है, अगर पास रहकर के भी कोई दूर रोने की बात करे तो उससे बड़ी बात नहीं, क्योंकि मोहब्बत में तो सिकवा होता है ऐसा मूर्ख लोग कहते हैं, नहीं तो भाई मोहब्बत में तो सिर्फ शुक्रिया ही शुक्रिया होता है, मोहब्बत में सिकवा नहीं होता है, और इसलिए मोहब्बत तो परमात्मा से होती है। एक इंसान जो आज आपके लिए जीता वही कल बदल जाएगा, यही हो रहा है आज द्वापर में। महाराज वासुदेव से देवकी का विवाह तय हो गया है, कल से उसी का सगा भाई है। एक भाई का कर्तव्य क्या है? महाराज बलि को माता ने रक्षाबंधन बांधा, तब से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। द्रौपदी की लाज बचाई एक धागे के बदले, क्या कहा कि बेचूंगा मैं द्वारिका, चोरी करूं ब्रज में जाई, कपड़े की गठान में द्रौपदी बन जाऊंगा। कहते हैं द्रौपदी तेरे पति तुझे जीए में हार गए, तेरे पति तेरे जुए में हार गए, तो तुझे बचाने के लिए मैं मेरी द्वारिका बेच डालूंगा, बेचूंगा द्वारिका। और इतने में ये पूरा हुआ तो चोरों का सरदार कहते हैं पहले ब्रज में माखन चुराया, अब ब्रज में जाके चोरी करूंगा, गोपियों के दागीने चुरा लाऊंगा। अरे द्रौपदी इतने में भी नहीं पूरा पड़ा कि बेचूंगा द्वारिका, चोरी करूं ब्रज में जाई, कपड़े की गठान में द्रौपदी बन जाऊंगा, बहन तेरी लाज बचाने के लिए मैं कपड़े की गठान भी बन जाऊंगा। और इतना महीना पूरा पड़े, इतना महीना पूरा पड़े, दिगंबर हो जाऊंगा, निर्वस्त्र हो जाऊंगा, इतने भी नहीं पूरा पड़े तो दिगंबर हो जाऊंगा, पीतांबर उड़ा के तेरी लाज में जाऊंगा। इतने में भी नहीं हुआ तो मैं मेरी पीतांबर उड़ा कर तेरी लाज बचाऊंगा, लेकिन मेरी बहन में तेरी लाज, जब तक आपको इस दुनिया का आस है तब तक परमात्मा आपके पास नहीं, और जिस दिन सब कुछ छोड़कर आपने इसमें समर्पित कर दिया उस समय परमात्मा आपके पास होगा। द्रौपदी ने भाव रखा था ना, धर्मधारी युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर के होते कुछ नहीं होगा, धनुर्धारी अर्जुन के होते कुछ नहीं होगा, भीष्म के होते कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने कह दिया अरे प्रभु कि तेरे बिना अब कोई नहीं है, अब पतिराग को मुझे गिरधारी, जब ये भाव कर दिया अब तू ही रख, अब तू ही मेरी लाज रख, तो महाराज भगवान ने वस्त्र रूप में उतार लिया सिर्फ अपनी बहन के लिए, और कवि को लिख देना पड़ा कि सारी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी। और कल्पना है
कि जब दुशासन चीर खींच रहा था, दुशासन जब चीर खींच रहा था तो यह भाव आया था कि दुशासन के समक्ष दुर्योधन कार भाग भाग भाग। बोले क्यों, क्या था वो घड़ी कि द्रौपदी की चीर के अंतिम छोर से भगवान की पीताम्बरी और पीताम्बरी के अंत में चक्र सुदर्शन हंस करके गर्जन कर रहा था, अस्तु पीताम्बरी का आपके घर में होना परमात्मा के होने का प्रतीक है। तो भाव याद रखिए। कई माताएं बहने कहते हैं कि हम क्या करें, हम आज आपको एक रहस्य बताते हैं। श्रीमद् भागवत कथा आपको पढ़नी नहीं आती है, मत पढ़ो। श्लोक नहीं आते, मत पढ़ो। खाली खाली उसके पन्ने को खोल करके दर्शन भी कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा। अर्जुन जी ने प्रश्न किया था वसुदेव से कि दयानिधि अब तो तुम जा रहे हो तो जगत में क्या होगा। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, मैं अपने आप को श्रीमद् भागवत के शब्द सागर में समाहित कर दे रहा हूं, अस्तु श्रीमद् भागवत का दर्शन करना स्वयं वसुदेव देव के नंदन के दर्शन के बराबर होता है। खाली खोल करके देखने से भी आदमी बहुत पार होता है। एक भाई जो कलाई पे बांधता है, आज वसुदेव एक परंपरा है, आजकल से अपनी बहन को छोड़ने जा रहा है। आकाश बारी अरे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है इसी के आठवें पुत्र से तेरी मृत्यु हो। एक क्षण में मैं अक्सर कहता हूं कथा में कि व्यक्ति दो चीजों से डरता है और दो के लिए मरता है, एक समाज के भय से और दूसरा मृत्यु के भय से। माँ के लिए औषधि के लिए धन नहीं है, बेटी के फीस के लिए धन नहीं है, लेकिन कपड़े अच्छे पहनने हैं, दूसरों को दान ज्यादा करना है, समाज क्या कहेगा। अपनी व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, समाज क्या कहेगा। अगर समाज को देखना है तो आज को सुधारो, और अगर आज नहीं सुधरा तो समाज कभी साथ में नहीं आएगा। महाराज सोशल इज द इंटरफ्रेंट एटीट्यूड, इसके भिन्न भिन्न विचार है। अगर कोई जा रहा हो और ये कह दे कि भाई तेरी मृत्यु हो जाएगी नहीं तो ये करवा ले तो तुरंत कर लेंगे, अगर कह दे तेरी मुक्ति हो जाएगी ये करवा ले तो उसकी तरफ नहीं कल देखेंगे। अगर कहा जाए कि गरुड़ पुराण करवा लो, पितृदोष है त्रिपिंडी करवा लो, मुक्ति हो जाएगी तो नहीं करेंगे, अगर कह दे कि भाई अगर राहु संति नहीं कराई तो अगले दिन मौत हो जाएगी, बीबी के दागिने बेचकर भी करवा लेंगे, क्योंकि वहां मृत्यु का भय। कंस के अंदर भी वो मृत्यु का भय है, और इतना सुनते ही अपने मृत्यु के भय में विहवल होकर कंस ने महाराज तलवार उठा लिया है। वही बहन जिसने राखी बांधी है, जिसने लंबी उम्र के लिए दुआ की है, सिर्फ एक आकाशवाणी सुनकर के कंस के हृदय में भाव जग गया गलत, और कंस ने उठाया है तलवार और उसके देवकी के गर्दन पर रखने की तैयारी करती है। अरे भैया ऐसा क्या कर रहे हो, वसुदेव निवेदन कर रहे हैं ऐसा क्या कर रहे हो। आज रो करके कहने लगे हैं कि देख लिया दुनिया का, अरे भैया स्वार्थ ही सिद्धि है, स्वार्थ का जमाना है, स्वार्थ की दुनिया में और किसको आदो कहां गए हो वादे। अरे भैया ये बात झूठी भी तो हो सकती है, समय आने दे, लेकिन नहीं, आज वही भाई ने खड़ग उठा लिया है और रो रो कर द्रौपदी कहती कि देख लिया दुनिया का ये सारा नजारा, हम किसी के ना कोई हमारा, ना किसी
आज मैंने देख लिया इस दुनिया में कोई नहीं। वासुदेव जी निवेदन करते हरे कंस, मान जा तुझे हमारे आठवें पुत्र से तकलीफ है ना, हम तेरे पास ही रहेंगे। ठीक, वासुदेव ने कहा कि जब हमें आठवां पुत्र होगा तो हम ला करके तुझे। देवताओं ने कहा वाह, अगर ये बात बन गई तो ब्रह्म के वरदान का क्या होगा। सबने जाकर योग माया से निवेदन किया, साधना किया, स्तुति की और देव ऋषि का आगमन हो गया है। महा देव ऋषि नारद आते हैं, नारायण नारायण। देव ऋषि नारद का आगमन होता है और कंस के नजदीक पूछते हैं, क्या कर रहे हो। बोले कुछ नहीं, व्योमवाणी आकाशवाणी ने आठवें पुत्र से मृत्यु का भय बताया तो छोड़ दे रहा हूं, आठवां पुत्र ये मुझे दे दे। कहे आठवां, बोले हाँ। दिखाया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले हाँ जी। बोले इधर से गिनो तो पहला आत्मा और आठवां विनाश काले विपरीत। पहले को आत्मा और आत्मा को पहला दर्शन वो ले जाकर के कंस ने कारागार में बंद कर दिया है। और जैसे जैसे उनके पुत्रों की संतान की उत्पत्ति होती है, एक एक को मारने की प्रक्रिया, अवतार लेने की स्थिति है। बिना शक्ति के सृष्टि में कोई कार्य नहीं होता। योग माया से सबने मिलकर स्तुति की है, आप सारे लोग भी दो पल स्तुति करेंगे। पुनः कथा को आरंभ करें। जय दुर्गे दुर्गति नास की जय, जय महाकाल नास की जय। Thank you.
आदिशक्ति की आराधना की है। श्री हरि को अवतार लेना है। श्री हरि आज फिर शेषनाग के पास पहुंच गए हैं। शेषनाग जिसे कहते हैं भैया अब द्वापर में अवतार लेना है, कहने लगे मैं अवतार लूंगा लेकिन अभी बार उल्टा होगा। रामा अवतार में आप बड़े थे मैं छोटा था, इस बार मैं बड़ा बन गया। इस बार शेषनाग जी ने बलराम के स्वरूप में रोहिणी के गर्भ से अवतार लिया और उनका नाम है बलराम। इस बार मैं बड़ा बनूंगा और आप छोटे बनेंगे। योग माया बिना शक्ति को की व्यवस्था नहीं। गर्भ शंकर सनात तम बाहू शंकर सनम बोलियो प्राणी लोक रमणाय बलम बलम लोचया। योग माया ने अपने लीला की और गर्भ को परिवर्तित। अब गर्भ परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो परमात्मा ने जो आपको दिया वो प्रसाद है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तब एक रावण की बात थी, अब हर घर में हमें रावण नजर आते हैं, कैसे हमारे देश के नहीं।